नमस्कार, आज हम सेवा भारती स्कूल हिसार में आए हुए हैं। यहाँ पर आरएसएस द्वारा वार्षिक तौर पर निरीक्षण किया जाता है कैसे यहाँ पर अध्यापक और प्रधानाचार्य द्वारा यहाँ का निरीक्षण एवं यहाँ पर जो कार्यकारिणी कैसे कार्य कर रही है वो हम लोग जांचेंगे आज। इसके पहले ये कार्य कागजी तौर पर होता था, परंतु अब हम ऑनलाइन तरीके से इससे करेंगे, जो कि सेवा भारती ऐप द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं। Myself is Mrs. Jyoti Giri. My qualification is MSc Chemistry MET. I have 28 year experience and academic in teachings, and now I am working here in the Seva Bharati from the April 2018. What I observe here, this is a purely run for all the poor peoples, those who are unable to give the proper educations to their kids. This Seva Bharati provided not only the academic but also provided sanskar. There are 9 periods here. Last period is meant for sanskar, and in the sanskar mainly these are the teachers taught them about all the ethicals to become a good citizens here. In the assembly even, there are the for different days, the different things, like some in the Tuesday, Hanuman Chalisa, Bhakti Geet, yoga is daily in the morning assembly. All the things are to be happened. Yes, yes, you are absolutely right. But I am not join here as a taking the salary from here. That is a manav seva. कहते हैं ना, पैसा तो हर चीज़ नहीं ना होती, जो
असल पैसा है वो मैंने यहाँ पर आकर कमाना सीखा है बच्चों को. नो आई एम अटैच विद दिस सेवा भारती फ्रॉम द लास्ट बट माई हजबेंड एंड माई फादर इन लॉ अटैच्ड हियर फ्रॉम द लास्ट 30 years और 35 years. माई हजबेंड ड्यू टू माई हजबेंड आई ज्वाइन हेयर. मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहा अभी तक का? अबाउट द अनुभव दैट इज वेरी गुड. रियली आई फील हैप्पी व्हेन आई प्रोवाइड द एजुकेशन टू दीज चिल्ड्रन दोज हु अनेबल फॉर दैट प्लेटफॉर्म. सो रियली आई फील हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दैट एंड प्राउड ऑफ माई हजबेंड इवन दैट हु गिव मी सच टाइप ऑफ सजेशंस दैट माई डियर्स यू हैव टू ज्वाइन दैट. नो डाउट होंगे ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसे आई जस्ट मेट ए गर्ल शी इज आई थिंक इन द स्टडिंग इन द बी एस सी. बच्चे तो ऐसे माई फर्स्टली वन थिंग आई कैन टेल यू टीचर्स और द सोशल वर्कर्स आर जस्ट ए रे ऑफ लाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स. वी ऑल आइदर द सोशल वर्कर्स और द टीचर्स और माइन वी स्प्रेज आवर रेज टू द स्टूडेंट्स एंड दैट डिपेंड्स अपॉन देम हाउ दे विल कैच इट. टीचर या बच्चे तो सब कुछ अच्छे के लिए ही आए हैं. अब लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ही सेक्रेटरी. ही लीव हिज बिजनेस अपने बिजनेस को छोड़कर आए हैं यहाँ पर. किसके लिए आए हैं? इन बच्चों के लिए आए हैं. अदरवाइज इतने टाइम में ये अपने मनी यदि मनी पॉइंट से ही होते तो ये अपना मनी कमाते अपना बिजनेस को रन करते. वाए कहते ना मानव सेवा तो नर सेवा नारायण सेवा. दिस इज द मोटो व्हाट आई ऑब्जर्व ऑफ ऑल दीज दोज हु आर इन द आरएसएस. यस इस टाइप की प्रोसेस तो पहली बार ही हो रही है लेकिन संघ की तरफ से संघ का सेवा विभाग समय समय पर अपने जानकारी के लिए निरीक्षण करता रहता है. लेकिन इस प्रकार का जो एक साथ पूरे देश में जो सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. Yes, हाँ बिल्कुल. Yes, अपने जितने भी सेवा भारती के प्रकल्प हैं स्कूल हैं संस्कार केंद्र हैं वो सभी गरीब और उपेक्षित बस्तियों में ही वंचित बस्तियों में ही चलाए जा रहे हैं ताकि उन बच्चों को शिक्षा मिले उन बच्चों को संस्कार मिले जो समाज से कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं किसी वजह से अपने पारिवारिक कारणों से. उन सबको अच्छी शिक्षा और अच्छी संस्कार मिले. हम उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय कहीं और काम पे भेजना पसंद करते हैं या शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते. तो ये हमारा मेन उद्देश्य यही है कि उन बच्चों को शिक्षा मिले जो बिल्कुल गरीब हैं जो उपेक्षित हैं वंचित हैं अच्छे संस्कार देते हैं. उनको अच्छे संस्कार में ये है जैसे डेली हम उनको कहते हैं कि हैव यू टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स दिस इज द टाइप ऑफ संस्कार. हाँ जी नशे से दूर रहें अच्छी शिक्षा लें माता पिता का सम्मान करें और राष्ट्रीयता की भावना भी जगाई जाती है यहाँ पे. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हमारा मेन उद्देश्य यही है कि भी हम यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना पैदा करते हैं अपने देश का सम्मान करें अपने देश की इज्जत करें और एक जो नहीं पढ़ पाते सिर्फ उनको पढ़ाते हैं गरीब वंचित बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी शिक्षा और संस्कार ही देते हैं. और ऐसा कुछ नहीं है कि भी हम यहाँ पे कोई ऐसा हिंदुत्व की भावना या ऐसी कोई मतलब सांप्रदायिकता ऐसा कुछ भी नहीं है. सब बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है चाहे वो हिंदू से हो चाहे मुसलमान से हो चाहे ईसाई से हो सबको हम बराबर समझते हैं. हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है किसी में कि कुछ ऐसी दुर्भावना पैदा की जाए या मन में ऐसी हमारा काम सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना है. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता. ये सिर्फ समाज के सहयोग से चल रही है. सरकार के सहयोग से कोई भी ऐसा कार्य नहीं. जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं सेवा भारती के ये सब समाज के सहयोग से ही चल रहे हैं ना कि सरकार का कोई सहयोग इसमें है. सरकार का किंचित मात्र भी इसमें कोई सहयोग हमें नहीं मिलता.
सिर्फ समाज के सहयोग से, उन्हीं के कलेक्शन से, उन्हीं के चंदे से, उन्हीं के सहयोग से ये सब काम चलते हैं। नहीं, समाज से हम अपेक्षा करते हैं समाज से हमें सहयोग मिले, लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि सरकार से हमें कोई सहयोग मिले। हम तो समाज के सहयोग से ही ये सब काम करना चाहते हैं। दैट इज आई थिंक 6 month कोर्स एंड टेकिंग वेरी मिनिमल चार्जेस फ्रॉम देम एंड इवन द ड्यूरेशन प्रोवाइडेड देम फ्रॉम 9 to 1 एंड नो डाउट द गर्ल्स, आई टेक द फीडबैक फ्रॉम द गर्ल्स आल्सो, दे आल्सो गिव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टू मी दैट मैडम हमने बहुत कुछ सीखा है, कि अब हम अपना जो घर में ये बनाती हैं सूट वगैरह बना लेती हैं। दैट इज़ आई थिंक ए वेरी गुड अचीवमेंट। हमारे साथ दीपक जी हैं जो आरएसएस की तरफ से यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, हमें बताइए दीपक जी। सभी को नमस्कार। अपने देश में सेवा भारती की जो संस्था है वो 1,70,000 से अधिक सेवा कार्य पूरे देश में कर रही है, और सेवा भारती केवल भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो गैर सरकारी है और इतने बड़े लेवल पर इतने सेवा प्रकल्प चला रही है, जैसे कंप्यूटर सेंटर, सिलाई केंद्र, चिकित्सालय, विद्यालय इत्यादि। तो आज इस अखिल भारतीय सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि पूरे भारत में सेवा भारती के माध्यम से कितने सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, कितने सेवा कार्य चल रहे हैं, कितने कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से, उन सब का वृत्त सबके सामने आए और एक प्रमाणिक रूप में सेवा भारती सबके सामने प्रस्तुत हो। ये जो हिसार के सत्यनगर में सेवा भारती का संस्थान है, जहाँ पर सिलाई केंद्र, कंप्यूटर सेंटर और एक माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, यहाँ पर मैं भी आया, डॉक्टर गिरी जी हमारे साथ बैठे हैं, और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी भी साथ में आए। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर हम सबको बड़ा आनंद आया, और इस सेवा बस्ती अर्थात स्लम एरिया, यहाँ पर रहने वाले बच्चों का किस प्रकार जीवन ये सेवा भारती बदल रही है। आज भी यहाँ पर लगभग 250 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे थे जो कहीं ना कहीं बाल श्रम के कुचक्र में फंसे हुए थे। कईयों के तो माता पिता भी नहीं चाहते थे कि वो स्कूल में पढ़ने जाएं। ये ज़्यादातर श्रमिक परिवारों के बच्चे हैं, इनके माता पिता को लगता था कि ये तो बच्चा हमारा कमाई करने वाला है, कोई चाय की दुकान पर, कोई अचार की फैक्ट्री में, कोई किसी के घर में काम करने वाला। इस प्रकार उनके परिवार के माता पिताओं से बात करके, उनको समझा के इन 250 बच्चों को इस पढ़ाई में अब लगाया गया है। अभी हम सेवा भारती स्कूल हिसार के अध्यापकों से पूछेंगे कि इस इतनी कम तनख्वाह पर काम करने पर भी उन्हें ऐसा क्या, ऐसी चीज़ कौन सी चीज़ है जो इन्हें यहाँ पर खींच लाती है। हाँ जी, यहाँ के बच्चे ना एक्चुअली इस एरिया से आ रहे हैं कि माँ बाप दोनों बिजी है, मजदूरी करते हैं। अगर हम उन बच्चों को कुछ दे पाते हैं, कुछ बना पाते हैं, या सामान्य नागरिकों में उन्हें शामिल कर पाते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। और ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा लगन और प्यार, और इनमें जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो शहर के बच्चे हैं, बड़े स्कूलों के बच्चे हैं, वो पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी भावनाओं के पीछे ज़्यादा भागते हैं। इनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है हमें, बजाय जो बड़े स्कूलों के बच्चे हैं उनसे, क्योंकि उनके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं, और इन बच्चों के लिए हम टीचर बहुत मायने रखते हैं, जो उनको कुछ बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई अध्यापक हैं जिन्हें कुछ ही समय हुआ है, कुछ अध्यापकों को 1 साल 2 साल, उससे ज़्यादा समय भी हो चुका है। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस रही है, क्या उनने पाया है अभी तक। कुछ बच्चे यहाँ से डॉक्टर होके निकले हैं, एक मैं ये नहीं कहती कि सारे ही निकल जाते हैं, कुछ तो कुछ गुड़गांव में 1 या 2 इंजीनियर कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी है अपने आप में बच्चे अगर सेटिस्फाइड हैं पढ़ लिख के,
और अपना कुछ भी कर रहे हैं और खुश होके कर रहे हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और किसी तरह का क्रिमिनल यानी हमारी सेवा का एक नियम वो है, उद्देश्य है कि बच्चे किसी तरह क्रिमिनल ना बन पाए, एग्रेसिव ना हो पाए और जैसे भी जिए सबके लिए और खुश होके जिए वो, जो भी करें और अच्छे से करें। जैसा कि हमने जाना कि यहाँ का मुख्य उद्देश्य है बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों। मैम ने बताया कि बच्चे डॉक्टर भी बने, यहाँ से इंजीनियर भी बने हैं। एक और बात पूछना चाहूँगा मैम आपसे कि यहाँ पर बच्चों से कितनी फीस ली जाती है? यहाँ पर बहुत कम फीस ली जाती है, बच्चे को एक प्रकार से सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो कि हम कुछ दे रहे हैं स्कूल को, फिर पढ़ रहे हैं। सिर्फ 100 रुपये या 80 रुपये तक यहाँ पे फीस ली जाती है, बहुत ही कम फीस जो नहीं देगा। आप अपने बारे में कुछ थोड़ा बता दीजिए। जी हम सब टीचर क्वालिफाइड हैं और मैं बीएससी बीएड हूँ। मैं रश्मि व्यास बीएससी बीएड हूँ और प्राइवेट स्कूलों में और जहाँ बहुत ज़्यादा फीस दे के बच्चे पढ़ते थे वहाँ भी मैं पढ़ा के आई हूँ। लेकिन एक अंतर देखा है वहाँ पर कि स्कूल के जो मैनेजमेंट होती है वो भी पैसे के पीछे भागती है और जो बच्चे रहते हैं वो भी ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बच्चे पढ़ाई करते हैं जैसे तैसे और जो भी नहीं बनता वो हमसे पूछते हैं और इनसे हमें बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है। मैं चाहेंगे कि समाज है ना बच्चों को, बच्चों को कुछ हेल्प कर सकें, बुक्स वगैरह यहाँ दे सकें क्योंकि मेन प्रॉब्लम इनको कभी कभी बुक्स की होती है, बुक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और भी जो कुछ कर सकते हैं समय पे वो करें बच्चों के लिए। और ये हमारे आरएसएस के जो भी सेवा भारती के लोग हैं वो यहाँ कोशिश भी काफ़ी करते हैं, इन बच्चों को फ्री में जूते मोजे या ड्रेसेस दी जाती हैं और अभी ऊन हाँ कॉपी किताब भी देते हैं, लेकिन बुक्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हरियाणा बोर्ड से जो बुक्स होती है उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है ख़रीदने के लिए। जैसा कि अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा शोर हो रहा है पीछे, ये अभी रिसेस का टाइम चल रहा है बच्चों का। यहाँ पर डिसिप्लिन वैसे बहुत अच्छा है, आप दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर रिसेस का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं, खाने का समय हो चुका है। हमने हमने कक्षाओं का निरीक्षण किया, कक्षा बहुत ही सुचारू ढंग से चल रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हमारे अध्यापक भी जो यहाँ पर पढ़ाते हैं उनका भी काफ़ी योगदान है बच्चों की तरफ। हमारे साथ में आज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं हैं, आज हम उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर। यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स से मिले हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स तो काफ़ी अच्छे थे और जैसे कि फ्यूचर में बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है उनका, अगर ये स्कूल ना होता तो उनमें से बहुत सारे मतलब चोर बनते, नशेड़ी बनते ये, बट ये स्कूल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत कम फीस में पढ़ा रहा है जो नाम मात्र फीस है। स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी देखा है लो क्लास से या बहुत ही निचले तबके से बिलोंग करते हैं और उनका ना अगर उन्हें ऐसा कोई बेस या सपोर्ट ना मिले तो शायद उनका टैलेंट ना बाहर आ पाए। हमने देखा हर फील्ड में बच्चे इंटरेस्टेड है, गेम, डांस, टीचर, तो अगर स्टडी में अगर उनको ये बेस ना मिल पाता शायद वो आगे कुछ ना बन पाए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और सभी को अपना थोड़ा बहुत अपनी लाइफ का थोड़ा सा योगदान तो सोशल सर्विसेज में देना चाहिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। इस स्कूल में आके जो बच्चों का जो वो बनना चाहते थे उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट था वो अपना इंटरेस्ट उस चीज़ के द्वारा दिखा रहे हैं कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं जो उनको बता रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं। आजकल क्या होता है कि जिधर ज़्यादा पैसे वगैरह उधर ज़्यादा, लेकिन इधर ना ही सैलरी का कुछ ज़्यादा वो है, कुछ मतलब लोभ लालच कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चों का अपना का टाइम से उनको पढ़ा रहे हैं। डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, बच्चों की जनसंख्या भी बहुत अच्छी है इधर, तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा वैसे। और अच्छा है भाई कोई किसी कोई मदद हो सके, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई किसी की मदद कर सके। ओके okay.